सेकंड सेटिंग में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे इस वीडियो में आज। जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, और क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर डी ए, चार का हो जाएगा ए, और पांच का भी हो जाएगा सी, और छह का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छह का डी। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर दस का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर होगा सी, और क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सोलह का, क्वेश्चन नंबर सोलह का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर उन्नीस का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर उन्नीस का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर बीस का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इक्कीस का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर बाईस का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर बाईस का आंसर, तेईस का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चौबीस का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर पच्चीस का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर छब्बीस का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सत्ताईस का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर उनतीस का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर तीस का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर इकतीस का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर बत्तीस का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर तैंतीस का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चौंतीस का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर पैंतीस का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर पैंतीस का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर छत्तीस का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सैंतीस का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अड़तीस का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर उनचालीस का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चालीस का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, हमारा चैनल देखने के लिए यूट्यूब पर जाइए, मैथमेटिक्स बाय रघु सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का प्रेस करिए और हमारे यूट्यूब का